हेलो एवरीवन स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी हमारे इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में दोस्तों हमने चैप्टर नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का डिस्कशन स्टार्ट किया था लेट्स सी व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग देखा नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट और फिर मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट हमने देखा ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ऑरिएटेड और नॉट इक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर साइज ज कंडक्टेड विथ द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देर तो इसका मतलब किसी भी संस्थान का हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है और ओपिनियन देते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है इसका मतलब जो रिपोर्ट देता है वो स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट देता है कुछ गलत है तो बोलेगा गलत है सही है तो बोलेगा सब सही है इसलिए जरूरी है कि आप तभी ऑडिट स्वीकार करें जब आपको लगता है कि आपके इंडिपेंडेंस में किसी प्रकार की कोई नहीं। तो आपके ब्रदर की कंपनी है अवॉइड करिए आपकी कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट है अवॉइड करिए इंडिपेंडेंस की परिभाषा होती है दैट योर जजमेंट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द डिसीजन और विशेज ऑफ द पर्सन हूज अपॉइंटिंग यू यानी जिसने आपको नियुक्त किया है उसकी इच्छा अनुसार आप काम करो ऐसा नहीं है जो सही है आप उसके अनुसार काम करो ऑड इट कैन बी ऑफ एन एंटिटी विच इज ऑल काइंड ऑफ एंटिटी एंड ओपिनियन हमें देना है याद रखना हमारा काम सिर्फ ओपिनियन देना है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है वो बने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा तो हमारा उद्देश्य कहीं से भी क्या नहीं है कहीं से भी हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से क्या करना नहीं है किसी भी प्रकार से इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नीदर वुड वी बी प्रोवाइडिंग और मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ, किसी व्यक्ति को सीए को बोला कंपनी तो के स्टेटमेंट वो में हमें बने हुए चाहिए जिसके हम चेक करके अपना तो चेक करते है तो आप कैसे चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है उसके लिए शुरुआत करोगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बुक्स में जो लिखा है उससे बने बुक्स में जो जो चीजें लिखी है जर्नल सब्सिडी लेजर क्या वो जो वाउचर्स में लिखा है उसके अनुसार सही है या इसमें हमें देखना है कि वाउचर्स में कोई चीज छूट तो नहीं रही है जो वाउचर है और बुक्स में नहीं आ रहा है और ये देखना है कि जो भी प्रेजेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लियर है एम्बिगस नहीं ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए और डिस्क्लोजर्स वगैरह सब कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों ऑडिट की रिलेशनशिप दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या होती है यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन है जिसका ऑडिटर को नॉलेज होगा तो वो एक अच्छा ऑडिट कर पाएगा फिर आए अपन ऐसे टू हंड्रेड के ऐसे टू हंड्रेड में इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ इंडिपेंडेंट ऑडिटर दिया है और ये डेफिनेशन हमने देखी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिवस क्या है ये देखा ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस हमें पहले आश्वस्त होना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट यानी इसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं एंड आर प्रिपेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गलत नहीं है ऐसा भी है कि गलत नहीं होने के साथ साथ इसमें जो भी दिया गया है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया गया ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट आर प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड वी ऑल्सो हैव टू देकेट इन अकॉर्डिंग विथ एसेस एंड अवर ऑडिट फंडिंग्स बाई मीन्स ऑफ अ रिपोर्ट सो एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसेस बेस्ड ऑन द ऑडिट फंडिंग यह पूरा हमारे ऑडिट का उद्देश्य है अब इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए हमने क्या किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी तो कल जो हमारे सामने टर्म्स आई उसमें पहली थी मिसस्टेटमेंट जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज जैसी है वैसी नहीं है यानी जो है और जो बताया गया है फर्क है या तो नहीं बताया या गलत बताया या अधूरा बताया हो सकता है आपने अमाउंट में गड़बड़ करी हो क्लासिफिकेशन में करी हो प्रेजेंट करने में या डिस्क्लोजर में किसी में भी हो सकता है हो सकता है आपने अनजाने में किया हो एरर जान करके किया जब भी मिस स्टेटमेंट शब्द आएगा इसका यही मतलब होगा कि स्टेटमेंट में कुछ जिम्मेदार है कंट्रोल्स के के बनाने के लिए कंपनी चलाने के लिए ये बना के देगा फिर हम ऑडिट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस लॉस प्रोविजन जो सब मिला के हमें बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना बैंक के लिए ये फ्रेमवर्क हो सकता है आरबीआई देता हो एनबीएफसी के लिए कंपनीज एक्ट और आरबीआई देता हो एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हो तो जिसके लिए जो जो चीजें डिफाइन करती है कि इन सबको मिला जुला के आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग कैसे होगी वो सब कलेक्टिवली एक शब्द में आ जाती है जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू यू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कल well, इम्पोर्टेंट में ये तीन टर्म्स हमने डिस्कस करी थी और आज का अब हमारा डिस्कशन यहां पे शुरू करते हैं दोस्तों बढ़िया चल रहा है बहुत मजा आ रहा है और आज की हमारी अगली टर्म डिस्कस करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस कल जाते जाते हमने डोला था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में ऑडिटर को क्या चाहिए ओह वाज़ा ओह आता कुछ नहीं है अपने को खुद को लाना है हम जज नहीं है जो मस्त यू बैठ जाएंगे और बोलेंगे हाँ वकील लेके आओ हमारे लिए हमें क्या करना है दोस्तों हमें खुद को एविडेंस इकट्ठे हमें लेके आना है एविडेंस हमें खुद को एविडेंस ऑप्टेन करना है कितने इतने कि हम रीजनेबली अश्योर्ड हो जाए किस बात पे रीजनेबली एश्योर हो जाए कि अब मुझे इतने पर्याप्त एविडेंस मिल कि मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर मटेरियल एस्पेक्ट में फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है और एस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट बने हैं आए देखते दोस्तों रीजनेबल एश्योरेंस में क्या कहा <coughs> रीजनेबल का मतलब होता है फुल हाई मॉडरेट या लो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट हंड्रेड परसेंट ने एब्सोट एश्योरेंस इज कंप्लीट एश्योरेंस और गारंटी की फिनेंशियल स्टेटमेंट और फ्री फॉर मटीरियल में स्टेटमेंट लेकिन हमें गारंटी ना तो मिलेगी ना हम गारंटी दे पाएंगे रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट कंप्लीट गारंटी इट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस वही बात है जो मैंने चार शब्दों में लिखी है हाई बट नॉट ऑफर जब आप अपना ऑडिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री के साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ अपन देखेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है आईसीआई के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड हैं जिनका पालन करके अगर आप ऑडिट करोगे तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा तो जब आप अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ करेंगे तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट इज कैरिड विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद अब सब जगह एस एस लिखा हुआ मिलेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जगह एस एस तो हम प्रोसीजर लगाएंगे और उससे ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन और इवेल्युएट करेंगे और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तब जाके ओपिनियन फॉर्म सिंपल सा तरीका है जैसे कि आपने आपकी पार्टी करके मुझे अपॉइंट किया था कि सर चेक कर लो इन दो लोगों ने जो खर्चे दिए हैं वो सही है या नहीं है तो उसमें एक डेकोरेशन का आठ हजार का खर्चा था तो मैंने डेकोरेटर को कॉल किया या उसे एक पत्र लिखा यह प्रोसीजर है उसका जवाब आया कि हां मैंने इतने का पेमेंट रिसीव किया है और इतने का खर्चा हुआ यह एविडेंस है मैंने इवेल्युएट किया तो मैंने देखा यार मैंने लेटर तो किसी और को लिखा था जवाब किसी और से आया जब मैंने एनालाइज किया तो मालूम पड़ा कि ओ हो हो ये तो वो जो दो लड़के थे उनमें से ही किसी एक ने जवाब भेज दिया मैनू तो मैंने कंक्लूड किया कि इसमें कुछ गड़बड़ तो इसका मतलब हम एस के अनुसार क्या करते हैं बेटा सबसे पहले हमें लगाना पड़ते हैं प्रोसीजर उससे हमें प्राप्त होते हैं एविडेंस जिनसे फिर अपन ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन जो फॉर्म करते हैं हमारे ऑडिट ऐसे ही होता है प्रोसीजर लगाओ एविडेंस गैदर करो ओपिनियन बनाओ कंक्लूजन ड्रॉ करें इससे हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा कब अगर हम ये सब एस पर एस करेंगे उसी को रीजनेबल एश्योरेंस कहा जाता है ध्यान रखिए कि ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमें क्या देना है हमें क्या चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस तो ऑडिटर सिक्स टू रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ होल ओवरऑल बेसिस पे इसका मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखता है टोटालिटी में एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स इसका क्या मतलब है का मतलब यह है कि एग्जाम्पल ऑडिटर सपोज फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस चेक कर रहे हैं देन इट विल फाइंड इफ इट इज मिस्टेटेड मटीरियली

एक सी एफ एम का हो रहा होता है सी एफ एम का भी ऑडिट होता है गुड मॉर्निंग गाइस जब भी आना है तो आने के बाद एक बार हाय हेलो जरूर बोलने हाँ बोल के। ऐसा मैंने देखा है लाइव बैच में गूगल ड्राइव वाले भी नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है चर्चा करते रहिए शुरू करें तो हाय हेलो लिखिए मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे जितनी बार हाय हेलो लिखते हैं उनको इतने मार्क्स आते हैं ऑडिट ये तय है क्या बात कर रहे हो सर हाँ 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 तो अगर तुमने सौ बार गुड मॉर्निंग कर दिया तो सौ आ जाएंगे हो इसलिए सौ लेक्चर ही नहीं रखेंगे मिनिमम बोल रहा हूँ तो आएंगे ही आएंगे टोट का गुड मॉर्निंग जी नमस्कार अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ सपोज एक सी ए फॉर्म है उसका भी ऑडिट होता है आप वहां पे आर्टिकल चिप कर रहे हो आपका कोई ऑडिटर आया वो ऑडिटर क्या कर रहा है सैलरी चेक कर रहा है जो फॉर्म सबको दे रही है आर्टिकल्स को स्टाइपेंड दे रही है तो आपने उसको जाके बोला अरे यार भैया काम करना ना हमारी स्टाइपेंड जो हमको दी है एक बार चेक कर लेना ना कहीं हमको कम तो नहीं दिए क्यों क्योंकि हमने तो कभी क्रॉस चेक किया ही नहीं कि सर जो दे रहे हो गलत है या नहीं है मान लिया जो दिया वो सही है क्योंकि हमारी तनख्वाह छुट्टी उट्टी सब कटती है तो आप चेक कर लोगे तो ऑडिटर बोलेगा ओ भाई यो मेरी बात सुन ऐसे में हर एक इंडिविजुअल स्टाफ के लिए ऑडिट करने नहीं आया हूँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का ऑडिट करने आया हूँ समझ में आया तो मैं सैलरी स्टाइपेंड ये जो एम्प्लॉई के खर्चे ये ओवरऑल बेसिस पे देखता हूँ क्या मटेरियल है अपना सैंपल निकालूंगा थोड़े चेक करूंगा सही लगा तो रिपोर्ट कर दूंगा ऐसे हर एम्प्लॉय का चेक करने बैठ गया ना तो इस साल का ऑडिट दस साल बाद खत्म होएगा बात, बात का हमला तो सीधे भी तो समझा सकते थे तो बोला देखा एक बार में समझ आया ना ऐसे तुम लोगों को ऐसे समझाने से ही आता है गुड खुद का स्टाइपेंड खुद चेक नहीं कर पा रहा है और ऑडिटर से एक्सपेक्ट करता है वो चेक करेगा लाया हट 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 दोस्तों आपको अपेक्षा रखना एक एक एम्प्लॉई का चेक करके एक एक के फ्रॉड निकाल निकाल के उन उनको रिपोर्ट करूं अब यार रिलायंस जैसी कंपनी में सैलरी का खर्चा है एक हजार करोड़ का और टोटल उसमें एक लाख एम्प्लॉई है अब उसमें एक एम्प्लॉई है उसकी दस लाख की सैलरी उसके लिए मटीरियल है उसमें पच्चीस हजार की गड़बड़ हो गई उसके लिए मटेरियल है पर रिला एज होल के लिए थोड़ी ना मटेरियल है मैं ऐसे चेक करने बैठ गया तो हो गया काम का गया हमें रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे लेना हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ये देखना होता है हमें एसे के अनुसार प्रोसीजर लगाना होते हैं एविडेंस गैदर करना होते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करना होते हैं ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट है और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अनुसार बनाएं या नहीं इस पर ओपिनियन देते हैं और इसी ओपिनियन को हम क्या करते हैं एस पर एस, एस कम्युनिकेट कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ समझाया नहीं है ये जितनी चीजें इसमें सिर्फ एक ही बात समझाई है आपको कि रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस और कुछ नहीं समझाया यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसके अलावा और कुछ नहीं समझाया बाकी सब जो अपन ने पहले पढ़ा है वही चीज वापस लिखी हुई है तो अल्टीमेटली ये बताना क्या चाह रहे हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को जम करना पड़ेगा टू ऑफ लिमिटेश उससे पहले रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में अगर आपको नोटिंग करनी है तो आप सिंपली रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी डाम आती है तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहली बात ऑडिटर ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सल्यूट एश्योरेंस दोनों में क्या फर्क है रीजनेबल अश्योरेंस हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस अश्योरेंस का मतलब क्या होता है आश्वासन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट एम लिखेंगे मटेरियल में स्टेटमेंट को आपसे एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आ रही है भैया टर्मिनोलॉजी ये सब बातें इसका मतलब यह है कि auditor does not seeks to obtain full guarantee that financial statements are free from misstatements to give a possible name एन ऑडिट कंडक्टेड एस पर एसेस बट विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स ऐसा नहीं नॉन सीए कर लेगा तो वो भी ऑडिट हो जाएगा सीए के सुपरविजन में ही होगा प्रोवाइड्स रीजनेबल एशर ऐसे रिक्वायर्स ऑडिटर टू डिजाइन एंड अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स जिसको अपन आज के बाद से एपी बोलेंगे ऑप्टेन ऑडिट एविडेंसेस से आप आज के बाद से ए ई बोलोगे और इवेल्युएट एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन टू फॉर्म एन ओपिनियन अल्टीमेट कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस आए तो ये लिखना आर पार दिखाने वाले लिया में कब पहले क्या होते थे वो बंद रहते थे बच्चे बोलते थे बोले सर चाय की स्टाइल में क्या पिए पढ़ाते हुए क्या पिएगा आदमी तो सर पढ़ाने के बाद क्या पीते हो अमूल कूल बहुत पसंद है अपने को इलायची फ्लेवर है सर आता ही नहीं है उसमें इलायची और कुछ पीते हो तुमको लगता है जैन आदमी शिक्षक ऐसी पॉइंट में क्या लिखा है वि e. के बाद ऑडिट कंडक्टेड एस पर एसे ओ हो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग पर सवाल विथ एस पर एसेस विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लड़कों की इससे ज्यादा सुंदर नहीं होती बेटा अगर है तुम्हारी तो समझ लो सॉरी सॉरी तो यह रीजनेबल एश्योरेंस की कहानी अब बड़ा सवाल है कि कम वक्त रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सल्यूट एश्योरेंस में क्या फर्क है? तो ये नोट करिए आप कि इंपॉर्टेंट ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के कारण ऐसे मतलब बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे जब भी लिखे तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पॉपुलर है जैसे ए एस है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे ही ऐसे है ठीक है तब तो ये कह रहे हैं कि भैया अपन क्यों नहीं दे पा रहे क्यों क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है कम ऑडिट की जिस कारण से आप कभी चाह कर भी एश्योरेंस नहीं दे सकते तो अब मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ाऊंगा अपन यहां पर आ गए पॉइंट नंबर पे थोड़ा जम कर दे बाकी के पॉइंट पढ़ेंगे अभी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब है कि किसी चीज में कुछ इनबिल्ट ऐसी होती है लिमिटेशन का मतलब क्या होता है ऐसी कंस्ट्रेंट्स जिस कारण से आप चाह के भी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी से काम नहीं कर सकते जैसे मुझे उदाहरण के तौर पे एक सवाल का जवाब तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉपीज हंड्रेड परसेंट सही तरीके से चेक होती है इनफैक्ट सीए की नहीं क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ट्वेल्थ बोर्ड की कॉपी हंड्रेड परसेंट सही तरह से चेक हुई थी हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हारी सी ए फाउंडेशन के मैथ्स की कॉपी जो कि पूरा हंड्रेड परसेंट एम सी क्यू बेस था सही तरह से चेक हुई होगी तो वहाँ तुम बोल सकते हो कि हाँ अगर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी और आंसर में कोई गलती नहीं थी तो उस केस में ऑब्वियसली बात है हंड्रेड परसेंट सही होगी क्योंकि मशीन ने चेक करी होगी इसका मतलब क्या है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी से मार्क्स अवॉर्ड कर सकते हो स्टूडेंट बस आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन सही हो आंसर उसके सही टिक हो ऑप्शन सही हो और मशीन सही से काम करें जो कि संभव है बट जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मंगाते हो तो उसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 परसेंट सही चेकिंग हो क्यों क्योंकि चेकर टू चेकर कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है एक ही चेकर के मूड के ऊपर भी हो सकता है आपके मार्क्स कम ज़्यादा हो जाए इनफैक्ट हो सकता है चेकर की फटीग आ जाने के कारण मालूम पड़ा उसने बात की कॉपी अच्छे से चेक नहीं करी इसलिए ज़्यादा मार्क्स दे दिए शुरू में ज़्यादा चेक कर गया कम दे गए मेरा कहने का मतलब है कि ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी तो उसमें चेकिंग में थोड़ा हेर फेर थोड़ा उन्नीस बीस होगा ही होगा एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इनहेरेंट लिमिटेशन शब्द समझाने के लिए कि कुछ चीजों में हमेशा कुछ सीमा होती ही हो इनहेरेंट लिमिटेशन इनबिल्ट है ये ये रिस्क है होगा हो कुछ नहीं तो ऑडिट अपने आप में एक साइंस नहीं, नहीं है हंड्रेड परसेंट अकाउंटिंग ही साइंस नहीं है अकाउंटिंग क्या इट्स साइंस और एन आर्ट बोथ अब आप एक चीज समझो दोस्तों साइंस में सही और गलत की बात होती है पर आर्ट में सही और गलत नहीं है तो इसी कारण से क्योंकि अकाउंटिंग में अपने आप में ही आर्ट इन्वॉल्व है आर्ट मतलब जजमेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है तो आप शत प्रतिशत तरीके से कह ही नहीं सकते कि यह सही है तो चार ऐसे कारण है जिस कारण से ऑडिटर चाह के भी ये नहीं बोल सकता कि हां हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूर्णतः किसेंट सही वो नहीं बोल सकता चाके भी उसके चार कारण कारण पहला है। तो हम बात कर रहे हैं इनबिल्ट लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ विच ऑडिटर नॉट ऑपटेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम माइ स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड्स एंड एरर्स ये चार फैक्टर्स क्या है सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है अकाउंटिंग अकाउंटिंग अपने आप में ही इन्वॉल्व करती है जजमेंट्स एस्टिमेट्स देखो अगर अकाउंटिंग ऐसा होता कि भैया कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती यानी बस जो कैश आया वही इनकम जो कैश गया वही एक्सपेंस और कुछ भी नहीं जो कैश आया वही इनकम जो कैश गया वही एक्सपेंस उसके अलावा और कोई अकाउंटिंग नहीं करना तो आप बोल सकते थे कि भैया हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 परसेंट एक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि कैश का जो लेन देन है बस वही चेक करना है बट सपोज आपने कैश में कोई एक मशीन खरीदी अब वो मशीन जो आपने खरीदी है आपको लगता है उसकी लाइफ 10 साल है तो आप उसे दस साल में डिप्रीशिएट कर रहे हो क्या जरूरी है उसकी लाइफ 10 साल ही हो सकता है बारह भी निकल जाए आठ भी निकल जाए आज ही हम ए एस टैन पढ़ रहे थे चेंज इन एस्टिमेट होता ही है तो तुम एक मशीन को डेप्रीशिएट कर रहे थे ये सोच के कि उसकी लाइफ दस साल है अब कम वक्त उसकी लाइफ निकल गई बारह साल तो तुमने बेवजह ज़्यादा डिपरी शुरू में चार्ज कर दिया इससे तुम्हारे प्रॉफिट कम हो गए तो ये कोई गलती है क्या नहीं ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ऐसा होता ही प्रिसाइज होते ही नहीं है थोड़ा बहुत तो हो होगा ही होगा उन्नीस बीस होगा ही होगा चलता ही है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इसका नेचर ही नेचर ही ऐसा है आप बताइए ट्रैफिक सिग्नल के 100 परसेंट पूरे भारत में फॉलो हो सकते नहीं थोड़ा बहुत उन्नीस बीस होगा ही होगा चोरी चकारी होगी होगी कोई कुछ नहीं कर सकता नेचर ही ऐसा है ठीले वाला आता है सब्जी बेचता है आप एक किलो रुपए एक किलो टमाटर खरीद रहे हो उसके एक किलो के पैसे दोगे क्या एग्जैक्ट एक किलो आएगा अरे पचास ग्राम प्लस माइनस होता ही होता है सेम इस लॉजिक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स है पहली एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है डेप्रिसिएशन जैसा बैट डेट लग रही है कितनी होगी एस्टिमेट है कोर्ट में केस लगा है मुझे लग रहा है जीत जाऊंगा हार गया तो मुझे लग रहा है हार जाऊंगा जीत गया तो आज जो कर रहे हो हो सकता है जरूरी नहीं आगे वैसा ही हो चेंज हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इसका मतलब सही नहीं इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदलाव आ सकते हैं इसका मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है ऑडिटर गलत है नहीं ये इनहेरेंट लिमिटेशन है इसलिए आप मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है वो खुद ही हंड्रेड परसेंट सही नहीं है तो मैं एज एन ऑडिटर कैसे हंड्रेड परसेंट आश्वस्त कर कि ये प्रॉफिट सही है तो एस्टिमेट के कारण जजमेंट्स के कारण प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ हो सकती है जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट जजमेंट यानी एस एल एम से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या डब्ल्यू डीवी से करूं लाइफ दस साल मानूं या आठ साल मानूं पीपी की जजमेंट है उसका एस्टिमेट है चेंज होगा प्लस हम कई बार क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल्स की मदद से बनाते हैं पर आपको मालूम है इंटरनल कंट्रोल की अपनी लिमिटेशंस है जैसे कि इंटरनल कंट्रोल ही कई बार क्या होते हैं लैप्स हो जाते हैं लैप्स का मतलब क्या होता है इंटरनल कंट्रोल्स लैप्स हो गए इसका मतलब फेल हो गए सिंपल सा एग्जाम्पल है आईसीआई ने इंटरनल कंट्रोल बना रखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर चेकिंग ना हो फिर भी चेकिंग हो सकती है क्या इसे ही बोल सकता है एग्जामिनेशन हंड्रेड परसेंट बिना किसी चीटिंग के हुई है चेकिंग बोल दिया उन्होंने चीटिंग सॉरी नहीं वो कितने भी कोशिश कर ले कितने सीसीटीवी कैमरे लगा दे उसको चेक करने के लिए लोग लगाना पड़ेंगे एक आदमी पे एक आदमी तो रखेगा नहीं रख भी दिया तो तीन घंटे वो इतना ध्यान देगा क्या दो मिनट नजर हटी उधर दुर्घटना घटा दी इसका मतलब क्या है दोस्तों ये लिमिटेशन है आपको मानना ही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल से बनते इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कम्बत्ता ये पता है कि नहीं तुमको इंटरनल कंट्रोल अरे बाप रे ये शब्द तो बहुत बार आएगा रे ओ हो इंटरनल कंट्रोल तो बहुत बार आएगा तो तुमको तो इंटरनल कंट्रोल पता होना चाहिए क्या है इंटरनल कंट्रोल का मतलब आ जाओ मेरे पास तो है ना एक ऐसी टर्म्स की जितने भी हम टर्म्स कर रहे हैं इसकी एक ऐसी शानदार नोटिंग जिससे कारण से सी इंटरमीडिएट क्या फाइनल में भी हमें ऑडिट मस्त समझ में आएगा और एकदम आराम से हॉले हॉले कोई टेंशन नहीं है मजे से थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने ऑडिट का कोर्स थोड़ा कम किया है तो हमारे पास समय भी बढ़ गया है वैसे भी अपन टेक ऑफ बड़े स्मूथली करते हैं क्यों क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जहाज समय सही देना है ना वहां दिया ना तो आगे समय अपने आप बच गलत जगह शॉर्टकट लगा देने से वो लॉन्ग कट ही होता है देखिए आप क्या हो रहा है डिस्कशन रीजनेबल एश्योरेंस के बाद आओ मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं एक शब्द इंटरनल इसका क्या मतलब क्या होता है बेटा मैनेजमेंट <coughs> मुझे बताओ ऑडिटर तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए मैनेजमेंट ने वो देख के बता रहा है सही है या नहीं है ऑडिटर से ज्यादा चिंता किसको है कि हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो जाए चोरी ना हो जाए मैनेजमेंट को क्यों क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी की दखवाली कर रहा है उसको ज्यादा चिंता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए सही बोल रहा हूँ भैया आप ऐसी बात समझो दो मिनट की <स्थ> हमारा एक रेस्टोरेंट है <coughs> रेस्टोरेंट में लोग आते हैं खाना खाने क्या रेस्टोरेंट का है का है? हम ये इडली सांबर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अब अब यहाँ पे क्या होता है लोग आते हैं और बहुत फटाफट चलता है ऐसा तो गए आपने कभी इंडियन कॉफ़ी हाउस उड़ी पी इस तरह के गए होगे ना आप तो वहाँ क्या होता है एकदम तो क्विक सर्विस होती है आप गए आपने बोला दो इडली वो लेके आ जाते बीस पच्चीस मिनट में तो आदमी को खिला के रवाना कर दे अपना रेस्टोरेंट है मेरे को डर है कि यार कम वक्त ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी आए और खाना खाए और तो बिल दिए बिना निकल दे तो इसके लिए हमने कंट्रोल्स लगाए होंगे एक कंट्रोल क्या लगाया होगा हमने कि हमने वेटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी भैया तेरी टेबल का ख्याल तुझे रखना है कोई भी व्यक्ति अगर बाहर चले गया बिना बिल पे किए तो तू जिम्मेदारी से तुझे बिल भरना पड़े ये जो पॉलिसी आपने बनाई है ये कहलाएगा आपका इंटरनल अब हो सकता है ऐसा हमने लगाया पर हमने देखा कई बार ऐसा होता है पर हम मीटर के पैसे काट नहीं पाते वो ऐसे रोने लग जाता है बताने लग जाता है बोले अरे आदा दादा दा मेरी तनखा ही आठ हजार रुपये आप महीने के देते हो और हजार रुपये का वो खा के चले गया कैसे चलाऊंगा तो फिर हमने कंट्रोल चेंज किया हमने बोला सीसीटीवी लगा देते हमने एक चौकीदार बिठा दिया जो मॉनिटर करते रहता है कि बिना बिल पे किए कोई निकल तो नहीं तो ये जो भी आप तरीके लगाओगे ताकि आपका नुकसान ना हो सके उसे बचाने के लिए इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल एक बैंक में क्या इंटरनल कंट्रोल होंगे सिंपल हो गया, गया रेस्टोरेंट के कंट्रोल रेस्टोरेंट के, के, के और क्या कंट्रोल्स होते हैं और बताऊँ और सुन लो तुम बताओ ना सर हमको ये बिजनेस करना है तो इसके कंट्रोल बताओ क्या होंगे मैं इसे भी बता दूंगा तो दूसरा कंट्रोल है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक मेनू कार्ड दिया हुआ है उसमें जो भी ऑर्डर करता है वो सब हमारा कंप्यूटर में उसका बिल बनता है एक सॉफ्टवेयर ले रखा है तो हमने इंश्योर कर रखा है कि भैया जो मेनू कार्ड में रेट दिए गए हमारे सॉफ्टवेयर में भी वही रेट डाले जीएसटी उस पर लगे सही से लगे हमने उसके रेट डाल क्योंकि जीएसटी हमारे दो लगते हैं तो खाने के आइटम पे पाँच परसेंट और बेकरी के आइटम पे अठारह परसेंट तो वो ख्याल रखना पड़ता है जिसका जो रेट है वो लगे तो सिस्टम में सॉफ्टवेयर में डला हुआ है बराबर तो ये भी एक तरह का कंट्रोल अरे तुम कभी रेस्टोरेंट पे जाओ तो तुम ऐसे बुलाते हो ना कैप्टन वो कैप्टन एक्सक्यूज मी हेलो कब जब उसके साथ गए और ये यार दोस्त चले गए था बनने वाला है कलाकोट हाँ अरे चिली पली नहीं लगाती तो वो क्या करता है बोले यस सर तीन चिली पनीर लिखती है फिर वो भी ऐसे ही बुलाता है वेटर को और वो फाड़ के देता है चिट्ठी और बोलता है ले जा अंदर तो वो हाथ से लिखता है फाड़ के वेटर को देता है वेटर किचन में ले जाता है किचन वाला क्या करता है तीन चिली पनीर बनाता है चिट्ठी के अगेंस्ट में उस पर एक टेबल नंबर लिखा होता है वो टेबल नंबर पे से हो जाता है उसके पास क्या होता है पीछे एक डुप्लीकेट कॉपी होती <laughs> है तो वो लिखता है ऊपर की स्लिप वेटर को देता है और कैप्टन जो दूसरी स्लिप रहती है वो बिलिंग सेक्शन में दे देता है कि भैया टेबल नंबर इक्कीस में तीन चिली पनीर ऑर्डर हुए तो वो सॉफ्टवेयर में टेबल नंबर इक्कीस में तीन चिली पनीर डाल देता है फिर जब टेबल नंबर इक्कीस में फिर हमने बोला चलो वही तीन वड़ा पाँव ले गया तो तीन वड़ा पाँव एंट्री हो गई फिर हम जब जाते हैं तो बिल बनता है उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर आ जाती है ये भी एक इंटरनल कंट्रोल ये हमने एक तरीका बना दिया सिस्टम बना दिया जिससे इंश्योर हो कि भाई कोई भी चीज़ किचन में जा रही है तो उसकी कार्बन कॉपी बिलिंग सेक्शन में जा रही है ताकि बिल हो जाए कोई चीज़ छूटे ना कंट्रोल आप कोई मॉल में शॉप में जाते हो तो अगर आपके हाथ में बैग है तो आपको क्या बोलेगा सर बैग यहाँ पे जमा कर दीजिए इसका टोकन ले लीजिए आपने देखा होगा जब आप मॉल में शॉप से बाहर निकलते हो तो वहां पे ऐसे आर एफ के ऐसे टावर्स लगे हुए रहते हैं कोई भी अगर आपने अंदर से सामान बिना बिल कराए बाहर निकाला तो सायरन बच जाता है यह सायरन अपने आप में क्या प्रूफ है कि आपने कोई सामान बिना बिल के बाहर निकाला है ये उनका इंटरनल कंट्रोल तो अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स लगाना पड़ते हैं दोस्तों आज की तारीख में क्यों लगाए जाते हैं ये सारे कंट्रोल और कौन लगाता है ये सारे कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है जिसकी कंपनी तुम्हारा रेस्टोरेंट तो तुम बनाओगे ना ताकि चोरी ना हो What are internal controls? Internal controls are basically your policies and procedures, your systems. Internal control is nothing but a set of policies and procedures for effective conduct of business. business conduct It ensures टू कंडक्ट बिजनेस एज पर मैनेजमेंट डिफाइंड नॉर्म जैसा मैनेजमेंट चाहता है बिजनेस वैसा हो इट इन्शोर्स टू स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट डिफाइंड नॉम्स से बन सके नंबर वन नंबर टू फ्रॉड्स प्रिवेंट हो सके हमारे यहां कोई फ्रॉड या एरर ना हो नंबर थ्री हमारे असेट्स की कोई चोरी ना हो ये भी एक तरह का फ्रॉड ही गार्डिंग ऑफ एसेट्स इससे हम इंश्योर करें कि हमारे एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बने तो ये भी तो एक दिक्कत है पूरे समय हम रेस्टोरेंट पे नहीं रहते मालूम बड़ा कि <coughs> कस्टमर से पैसे लिए वेटर ने जेब में डाल दिए बिलिंग सेक्शन वाले ने बिल बनाए ही नहीं कम का बना दिया उससे गलती हो गई तो हमें रिकॉर्ड एक्यूरेट चाहिए और ओवरऑल टाइमली और रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन पाए इंटरनल कंट्रोल इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये पूरा आप देखेंगे तो चैप्टर थ्री में इसका बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल अभी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए इंटरनल कंट्रोल के तो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के एक एग्जाम्पल हो सकता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब इसे बोलते हैं मेकर चेकर अलग अलग होना जो आदमी बिल बनाएगा वो पेमेंट नहीं करेगा कोई और करेगा परचेज आपने करी है तो पेमेंट कोई और करेगा नहीं तो आप मिली भगत कर लो जॉब रोटेशन बैंक में देखना हमेशा कैशियर चेंज होते रहते सरप्राइज चेक्स हमारे रेस्टोरेंट में कभी भी सरप्राइज चेक कंडक्ट कराते हैं। या बोटले जितनी खरीदी थी उसमें से बिल कितनी हुई और बची कितनी बोटल काहे की अरे अमूल कूल यार तुम भी ना कुछ भी सोचते और काय की बोतल है कि? बताओ, तुम बताओ, की बोतल बोल रेस्टोरेंट है हमारा बार बोला मैंने सर प्राइस चेक्स रिकंसिलिएशन बेस्ट एग्जांपल है बैंक रिकन्सिलशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं हर महीने हर हफ्ते चेक करने के लिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कैशियर ने बैंक से कैश निकाली और गल ले गया आ ही नहीं हमारे यहाँ तो ये इसके उदाहरण है ये सब क्या है ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हमारे इंटरनल कंट्रोल अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब कुछ भी नहीं है ज्यादा सोचना ही नहीं है इंटरनल कंट्रोल का मतलब है ऐसे सिस्टम जो आप बनाते हो जिससे कि फ्रॉड ना हो हमारी कंपनी में गड़बड़ ना हो हम जैसा चाहें बिजनेस हमारा वैसा चले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हमारी रिकॉर्डिंग सही हो ये हमारा इंटरनल इंटरनल कंट्रोल कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं मैनुअल हो सकते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल का अटेंडेंस हमारे एम्प्लॉ की अटेंडेंस लगती है उसके बेसिस पे सैलरी बनती है ये इंटरनल कंट्रोल अब कई सारी कंपनियों में कोई मैनुअल अटेंडेंस नहीं होती आते हैं वो फिंगर पंच करते हैं उससे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है उससे सैलरी कैलकुलेट हो जाती है ये इंटरनल कंट्रोल आपकी स्कूल में एक सिस्टम होता था कि जितों की भी फीस नहीं आती थी उनके पास रिमाइंडर आ जाता था वो एक मुनीम रख रखा है उन्होंने जो यही चेक करते रहता था ए, क्लास टेन डी में कितने बच्चों की फीस नहीं आई उनको सबको रिमाइंडर भेजता था फिर कॉल करता था फिर उसके बाद आपको स्कूल में आने से रोक दिया जाता था ये हमारा सिस्टम एक पॉलिसी बना रखी है जिससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि भैया हमारी फीस डूबे ना बच्चा पैसे दे सिस्टम है हमारे यहाँ कोई भी स्कूल छोड़ के जाता है तो पहले नोड यूज़ लेना पड़ता है उन तो नोट यूज़ में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा नोड यू लेने सबसे पहले अपन जाएंगे कहाँ पे कि भैया हम स्कूल से ट्रांसफर ले रहे हैं तो कृपा करके हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो जिसके आधार पर हमारा दूसरी स्कूल में एडमिशन होगा तो बोलते थे जाओ पहले नोड यूज लिखवा के लिए लाइब्रेरी में गए हमने बोला नोट यू थे तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे किताब इशूड है तो ये कंट्रोल है उनका कि जब भी वो कोई स्टूडेंट को किताब देते थे तो नोट करते थे कि इस स्टूडेंट को ये रोल नंबर वाले स्टूडेंट को ये किताब दी हमने बोला यार हम तो आज तक कभी लाइब्रेरी में घुसे ही नहीं किताब कहाँ से इशूड है बोले देखो ये किताब इशूड है नैन्सी डू एंड हार्डी बॉयज हमने बोला अरे यार वो तो नैन्सी नाम पढ़ के मैं ले गया था तुम बोला तो घूम गई तो बोले ये पाँच सौ रुपये इसके कड़ गए बोले फिर स्पोर्ट्स वाले से नोट्यू लेने गए उन्होंने बोला अरे देखो तुम्हारे नाम पर बास्केटबॉल इशूड ही छूट है हमला अरे सर वो तो स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए लेके गए थे तो बोले वापस देनी तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने दी नहीं हमला सर वो तो नहीं है बोले चलो आठ सौ रुपये इसके कट गए तो ये क्या है उनका सिस्टम है जिससे स्टूडेंट इंश्योर करे कि भैया ऐसी गड़बड़ नहीं होगी तो ये कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है स्कूल का नुकसान नहीं हो रहा है ये क्या है सिस्टम इसी को क्या कहते हैं इंटरनल बैंक गया तो सर ऐसे तो ढेर सारे हाँ तो ढेर सारे ही होते हैं कंपनी अच्छे से चलाना है तो आपको बहुत सारे कंट्रोल बनाना पड़ते कौन बनाएगा ऑडिटर नहीं मैनेजमेंट हाँ भैया हा, हा। तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो तुम बनाओगे ना ऑडिटर तो क्या हो? पांच दस दिन आएगा ऑडिट करेगा चले जाएगा तुम्हारी जिम्मेदारी है यानी मैनेजमेंट की क्या कंट्रोल बना मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल किन चीजों के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो इसको ऐसा बोलते हैं टेक्निकल भाषा में To design, implement, and monitor internal controls that can prevent or detect and correct. any misstatements, thoughts, errors. थोड़ा थोड़ा आ रहा है याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं मैंने बोला ये टर्मिनोलॉजी जितनी भी यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ अपने समझने के लिए ये एग्जाम के लिए नहीं एग्जाम के लिए अपने को रिस्पेक्टिव चैप्टर में जो ब्रह्मास में दिया है बस उससे ही लिखना तो सर ये क्यों लिखवा रहे हो फील करने के लिए सर तो ज्यादा फीलिंग हो रही ये इसलिए लिख रहे हैं बेटा बन ताकि आपको जब कई बार जब आप पढ़ोगे ना आपके मन में ऐसे डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स कब क्लियर होंगे जब आप इनको ऐसे पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते आओगे ऑडिट में टर्म्स और अच्छे से आपको समझिए तो आप इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप सबसे बढ़िया लिख लो स्कूल में फीस ओवरड्यू होती थी तो रिमाइंडर आते थे ये एक इंटरनल कंट्रोल है टीसी लेते थे ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो नोट यूज कराना पड़ते थे सारे डिपार्टमेंट से ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है इनफैक्ट स्कूल वाले इतने शाने थे कि कॉशन मनी लेते थे तो कॉशन मनी इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि भैया कोई स्टूडेंट अगर सपोज स्कूल की कुछ चीज़ें लेके भागी गया और टीसीसी भी नहीं ली तो फिर हम क्या करेंगे तो कौशन मनी से एडजस्ट कर ये सब इंटरनल कंट्रोल के एक आया 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 अरे समझ में आया तो भी बोलने का ऐसा नहीं सिर्फ नहीं आता है तो ही बोलते चलिए तो क्या है दोस्तों आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करते हो ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने पर इंटरनल कंट्रोल में ही लैप्स हो गया यानी तुम समझो कि स्कूल तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो जो कैप्टन है वो कैप्टन की मिली भगत है किसके साथ में किचन के शेफ के साथ में तो किचन के शेफ को बोल रखा है जब तक तेरे पास स्लिप नहीं आए तब तक तू क्या नहीं करेगा कुछ माल नहीं बनाएगा उसने शेफ को बोल रखा है मैं व्हाट्सएप करो तो बना देना शेफ माल बना देता है एक वेटर भी सेट किया हुआ है तीनों की मिली भगत है तो कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं होता है और कैप्टन अपने रिलेटिव्स को ही खाना खिलाया जा रहा है बी आर एस इज बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कल्यूजन का मतलब होता है मिली बखत मिली कल भी बताया था मैंने तो उससे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो सकते हैं सेकेंड दूसरी लिमिटेशन का कारण है बेटा हमारे ऑडिट प्रोसीज़र्स एक ऑडिटर के पास ऐसे प्रोसीजर या ऐसे राइट है क्या कि वो बोले कि भैया मैं तो एक एक चीज़ पूरी चेक करूंगा और इस साल का ऑडिट करने में पांच साल लगाऊंगा और पांच साल बाद रिपोर्ट दूंगा पूरा डिटेल में चेक करके नहीं हमारे ऑडिटर की भी सीमाएं पहली बात हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है पर हमारे साथ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है हम हंड्रेड चेक नहीं करते हमें सैंपल टेस्टिंग ही करना पड़ती क्यों क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता है क्यों क्योंकि एक बेसिक रूल होता है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन समय पर आए तो ही यूजफुल है आज का अखबार आज की कीमत है एक दिन बाद उसकी कीमत कुछ नहीं तो अगर ऑडिटर बहुत ज़्यादा समय लेगा ऑडिट करने में तो कोई मतलब ही नहीं ऑडिट का तो उसको सैंपल टेस्टिंग करके ही ऑडिट करना है यानी वो हंड्रेड परसेंट चेक नहीं करता है सैंपल बेसिस पे चेक करता है आईसीआई जब तुमसे एग्जाम पूछता है तो हंड्रेड परसेंट चेक थोड़ा ना करता है ये थोड़ा ना बोलता है ऑडिट का पेपर ही तुमसे पाँच सौ मार्क का लेंगे और पाँच दिन तक रोज आना और रोज तीन तीन चैप्टर पूछेंगे तो भी वो सैंपलिंग होगी वैसा तो नहीं बोलता पूरी किताब कंटस्थ करो और पूरी किताब लिख के जाओ तो हंड्रेड परसेंट होगा वो सैंपल करता है कि भैया तीन घंटे में मैं मेरे हिसाब से कुछ कुछ आइडेंटिफाई करके पूछ लूंगा जिसने ये पार कर लिया वो पार्टी तो ऑडिटर भी टेस्ट करता है कि ये ये चीजें चेक कर ली तो लच्चे फॉर एग्जाम्पल सैलरी चेक कर रहा हूँ कंपनी में सौ एम्प्लॉई है मैंने दस उठाए दस चेक कर लिए सब सही लगे मुझे लगा कुछ डाउट है तो दस और चेक कर लिए सब ठीक लगा मैंने बोला सब ठीक है हो सकता है कुछ गड़बड़ छूट जाए पर ऑडिट ऐसे ही होता है सैंपल टेस्टिंग ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ऐसे ही होता है ऑडिट दूसरी लीगल लिमिटेशन होती है क्या कई बार मैनेजमेंट होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा लेकिन ऑडिटर उनको फोर्स नहीं कर सकता कि भैया देना ही पड़ेगी मैनेजमेंट बोलेगा बस यही है इन्फॉर्मेशन हमने बोला भाई आपने स्टॉक वेरीफाई किया था मैनेजमेंट ने बोला हाँ किया था हमला प्रूफ उन्होंने बोला प्रूफ तो कुछ नहीं है बस ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है सब स्टॉक सही था बुलाया हम कैसे मान ले उन्होंने बोला बस अब मानना ही पड़ेगा क्या करें अब आप क्या कर लो आपकी सीमा है आप ये बोल सकते थे भाई भाई मैनेजमेंट जब स्टॉक वेरीफाई किया तब हमें आप बुला लेना मैनेजमेंट ने बुला रहे सॉरी हम बोल गए बुलाना अब आप क्या कर लो ये प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लीगल प्रॉब्लम है कई बार क्या होता है कम्भक्त तो मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड कर देते सत्यम सुना है सत्यम सत्यम नीरव मोदी विजय माली डी ये सब ऐसे केसेस है जहां पे खुद मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड किए आईसीआईसीआई की चंदा कोचर के ऊपर आरोप लगाया कि भैया उसने वीडियो वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को खूब लोन बांटे जबकि उसकी लाइबिलिटी क्रेडिबिलिटी नहीं थी पर रिलेटिव था तो खूब बाटे अब टॉप मैनेजमेंट अगर कर ले तो यार दोस्त तुमको लगता है मुकेश भाई बोले कि यार ये माल इस पार्टी से खरीदना है तो तुमको लगता है दूसरे लोग मना कर तो मैनेजमेंट ही अगर फ्रॉड में इंडल जो के छुपाना शुरू कर दे तो ऑडिटर की तो बैंड बच जाएगी पसी छूट जाएंगे उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अगर चीजों को बदल देगा तो भैया हम कोई सीआईडी नहीं है हम कोई सीआईडी प्रद्युमन नहीं है जिनको देख के समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़े दया कुछ तो गड़बड़े अरे मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैंने चेक करके देख लिया वाउचर में अरे ये सिग्नेचर फेक लग रहे हैं ये सब काम नहीं है इनफैक्ट अगला पॉइंट भी दिया हुआ anyway, और पढ़ते हैं कई बार रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना उनमें हमेशा डाउट रहता है क्यों क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर लो वही समझो सीधी सी बात क्या हो रहा था तुम्हारी कंपनी में कुछ तुम्हारे प्रॉफिट ज़्यादा ही हो गए हाय 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 क्या बात तुम सीए बन गए सीए बनने के बाद क्या करोगे जॉब या प्रैक्टिस सिंपल है बढ़िया जॉब लग गई तो जाओ नहीं जमी तो प्रैक्टिस वो नहीं जमी तो पढ़ाना शुरू कर दी तो मेरी लगी थी आई टी से बढ़िया जॉब आए चॉइस आया पढ़ाने हाँ आया तो समझो आप प्रैक्टिस में गए आपने ऐसा अंधा धुन शानदार प्रैक्टिस जमाई खूब प्रॉफिट हो तो गए आपको टैक्स देना पड़ रहा है आपने देखा कि भाव रिटायर्ड और आपकी मदद भी करते अकाउंटिंग वगैरह सब वही खाते वही देख रहे हैं आपके घर हमने बोला यार अपन एक काम करते ना अपन भाऊ के नाम की सैलरी डाल देते हमने तो बोला भाव देखो आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके यहाँ पर टैक्स रेट भी कम है आपको हम आठ लाख रुपये की सैलरी दिखा देते तो हमारे इस साल के क्या हो रहे हैं जो प्रॉफिट आ रहे हैं पंद्रह लाख के इसमें आठ लाख की सैलरी दिखा देंगे पंद्रह लाख में क्या होता है आप इनकम टैक्स में पड़ोगे स्लैब रेट्स होती है तो दस लाख के ऊपर हाइस्ट लाभ तीस परसेंट इधर अपन ने डिवाइड कर दी तो दोनों आठ आठ दस दस से नीचे आ गए तो ओवरऑल टैक्स मेरी कम हो गई तो मैंने बोला आपको ऐसी सैलरी दिखाएंगे हर महीना ट्रांसफर कर देंगे कभी ऑडिटर आपसे पूछे ना कि आपको इतनी सैलरी मिलती तो आप बोला हाँ मिलती है और हम अकाउंटिंग देखते उसके इतने पैसे जबकि एक्चुअल में तो बाबूजी फ्री में कर रहे थे और जो हम पैसा उनको देते कैश में ले भी लेते मतलब क्या है इसका दोस्तों रिलेटेड पार्टी मिल गई तो ये चीज़ ऑडिटर डिटेक्ट भी नहीं कर पाए कैसे चेक करेगा बैंक में पेमेंट किया हुआ है और वो बोल भी रहे अब उन्होंने कैश में दिया ये मैं कहाँ से चेक करूंगा इसलिए कहा गया है कि जहाँ रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है ना वहाँ पे आपके ऑडिट प्रोसीजर भी कुछ नहीं कर पाए इसलिए ये भूल जाओ तुम कि तुम हंड्रेड परसेंट फ्रॉड डिटेक्ट कर पाओ तो सबसे पहले मैं अपन ने क्या लिखा अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व है जजमेंट और एस्टिमेट्स नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉब्लम समझ लो दोस्तों जजमेंट प्रोसीजर्स नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले हमें सैम्पलिंग करना पड़ती है हमारे पर कुछ लीगल लिमिटेशन होती है कि हम फोर्स नहीं कर सकते मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी यानी आरपी ट्रांजैक्शंस में हमेशा रिस्क होता है ना इसके अलावा हो सकता है अगर मैनेजमेंट एमजीटी यानी मैनेजमेंट फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है तो बहुत डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना तो ये हमारी कुछ ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर पाएंगे डिटेक्ट प्लस हमारे साथ एक दिक्कत ये है कि हम ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं इन्वेस्टिगेटर क्या होता है अपन देखेंगे डिफरेंस पर मेरे पास ऐसा पावर नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेटर जैसे काम कर लूँ तुमने सुना ही है क्या कभी ऑडिटर आया और उसने क्या किया मैनेजमेंट को बोला चलो गीता पे हाथ रखो कसम खाओ बाइबल कुरान पे हाथ रखो कसम खाओ बोलो जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलो तुमको लग रहा है मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कंपनी के झूठ बोल रहे हैं तुम क्या किए तुम पकड़ के ले लिया उनको लाइट डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा दिया नारको टेस्ट करा दिया डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है हमने क्या किया मीटिंग हो रही थी बोर्ड रूम में वहां पे एक छोटी सी जगह थी खोपचा वहां पे हमने हमारे एक छोटे से बारीक आर्टिकल को छुपा दिया हमने सुनना अंदर क्या बात हमने डायरेक्टर की पेन में माइक्रोफोन प्लांट कर दिए उनके मोबाइल में एक स्पाईवे डाल दिया जिससे उनके पूरे मोबाइल की क्लोनिंग करके सारी चैट निकाल के देख लिया का, का फ्रॉड कर और पर्सनल चैट में कुछ कुछ ऐसी ऐसी चैट में ओ मेरे भाई प्रभु ऐसे काम इन्वेस्टिगेटर करते हैं हम इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटर कैसा होता है पुलिसमैन जैसा वो किसी भी हद तक चला जाएगा वो मान के चलता है सामने वाला झूठा बदमाश फरे भी चोर है ऑडिटर ऐसा नहीं होता है भाई उसका काम सिंपल सा है आपने अपॉइंट किया हम चेक करके आपको बता रहे हैं आपके हिसाब से सब कुछ आपने जो किया है सही है हम भी देख रहे हैं सही है गलत है तो बता देंगे बस ये अपने को पुलिसमैन वाले काम नहीं करना है कि अपन ने क्या किया गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा दी ओथ बोलते हैं इसको टेस्टिफाइंग पर्सन ऑन हो तो इसका मतलब कि किसी की गवाही लेना कसम के लिए ये सब अलाउड नहीं है आप हम तो विज़ुअल इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो कहां से हम एश्योरेंस 100% फिर एक टाइम और कॉस्ट कंस्टेंट भी होती है दोस्तों हम सारी चीज वेरीफाई नहीं कर सकते क्यों क्योंकि समय की कमी है सर ये तो वही वाला पॉइंट हो गया ना ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड प्लस कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से मार्केट में कुछ कंडीशन चेंज हो जाए और बंद हो जाए जैसे कि जियो आ गया एकदम से बैंड बज गई एग्जिस्टिंग चलते चलते बंद होने वाली हालतें आ गई गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दी बैन कर दिया प्रोडक्ट हो सकता है ना भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया राहुल नाम जितने भी लोग हैं सबके धंधे बंद अब okay. एकदम से आ गया अब आप बताओ ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया लोग फिर बोले ऑडिटर को अरे तुमने ऑडिट किया था तुमने बोला सब सही है और छह महीने में बिजनेस बंद हो गया तो मैंने बोला भैया मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ बिजनेस चलने की मेरे ऑडिट की लिमिटेशन है मैं फ्यूचर को थोड़े ना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ प्रिडिक्ट करना होता तो मैं नहीं अपने हिसाब से अटेम्प्ट देता बोले इसी में पास होगा भल तुम मेहनत करी छट्टे में पास हु बात करते हो तो इसका मतलब क्या है नए बिजनेस मॉडल नए प्रोडक्ट कुछ एडवर्स इवेंट हो गई ये सब मैं कहाँ से प्रडिक्ट करूंगा इन सब कारणों से मैं गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेट। दिस मीन्स ऑडिटर कैन नॉट गिव एपल्यूट इसलिए वो सिर्फ क्या देता है क्वेश्चन आएगा इज ऑडिट अट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू बोलेंगे नो इज ऑडिट अ गारंटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बिजनेस आगे चलेगा ही चलेगा ड नॉट प्रोवाइड एब्सलूट एश्योर एंड रीजनेबल

<laughs> बट तब, तब तक मैं रुका हूं आपके कोई डाउट्स है तो बताए नहीं है तो बोल दो नो no डाउट्स आगे बढ़ाओ टाइमलाइन वाला पॉइंट टाइमलाइन वाला, वाला कौन सा पॉइंट एक बार दोबारा बोलो टाइम अच्छा टाइम लाइन कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं ऑडिट करने का समय की सीमा है जैसे मुझे एक बात बताओ मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम इंटरमीडिएट में हंड्रेड परसेंट पढ़ाई करके पूरा हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि मैं तैयारी के साथ गया हूँ और पास हूँ इनफैक्ट तुम हंड्रेड परसेंट पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो क्यों? क्योंकि समय की सीमा है तुमको वन एंड हाफ डेज़ में पूरा ऑडिट रिवाइज करना है सारे चैप्टर रिवाइज करना है टाइम की कमी है तो कहीं ना कहीं तुम कम ज़्यादा करोगे ही करोगे कहीं फोकस बढ़ाओगे कहीं फोकस कम करोगे तो इसे बोलते हैं टाइम और कॉस्ट कंज्यूम भैया समय की सीमा है अपने पास अपन अनलिमिटेड समय नहीं दे सकते ऑडिट के इसलिए हमें क्या करना पड़ता है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने आप को कई जगह पर कि भैया बस सब ऑडिट में इतना ही होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा चलिए भाई बताइए और कोई डाउट्स है मैं क्वेश्चन लेता हूं इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम पूरा पढ़ो बेटा यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम मैं बताता हूं तुमने ऐसे बितता पढ़ा रेवले इन्फॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम ऐसे नहीं करना एक बार बी कॉम की एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था मैंने तो बीबीए किया था बीकॉम नहीं किया था हमारे दोस्त लोग करते थे तो हिंदी का पेपर था बीकॉम में हिंदी बहुत टफ मानी जाती तो क्या क्वेश्चन पेपर में एक निबंध आता था बहुत तो टफ रहता था तो सब लोग पेपर देके आए बाहर बहुत खुश और तो बोले मज़ा आ गया यार हमने बोला हाँ यार निबंध का वो डाउट था और सिंपल आया महात्मा गांधी पर उन्होंने बोला हाँ यार मैंने तो बीस पे छाप दी बी तो कॉम में ऐसे ही वजन से मार्क्स मिलते हैं कॉपी कितनी भरी तभी एक वो पढ़ा लिखा दोस्त आया उसने बोला अरे यार निबंध ने बारह बजे आती हमने बोला अरे बापू पे निबंध नहीं लिख पाया तो क्या आदमी बोले बापू पे थोड़ी नहीं था और किस पे था बोले भाई पढ़ तो सही पूरा क्या लिखा है उन्होंने लिखा था पहली लाइन में लिखा हुआ था विस्तार में जीवनी और निबंध लिखी है महात्मा गांधी और अगली लाइन में लिखा हुआ था को किसने मारा हमने बोला यार अगली तो पढ़ी नहीं हमने ये तुमने वैसी वाली बात कर दी इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम पढ़ दिया ये तो पढ़ा ही नहीं रेलिवेंस रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम बेटा इसका मतलब क्या है इंफॉर्मेशन आज की आज ही रेलेवेंट है कल कम रेलेवेंट हो जाएगी परसों और कम हफ्ते भर बाद और आज ओल्ड से न्यू कोर्स में आने वालों के लिए जितनी जानकारी है सब रेलेवेंट है यही जानकारी छह महीने बाद ही रेलेवेंट यूजलेस कोई ही काम के लिए ऐसा समय तो के साथ साथ इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस कम हो जाती है रेलिवेंस यूजफुल ठीक है बेटा चलो बहुत बढ़िया आ जाओ हाँ मैं उच्च क्वेश्चन बताने थे ना तुमको अब देखो इंस्टीट्यूट ने एक बढ़िया काम किया है हर पर्टिकुलर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डाले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम के जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है बड़े ही इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा अच्छा इसका ये मतलब एग्जाम में भी आ सकते हैं और ये सब नए तो कोई भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये सब नए क्वेश्चन है अभी मैंने क्वेश्चन मैं शेयर नहीं करी है कल करूंगा मैं आपके साथ उसमें अलग अलग बाइफरगेट किया तब मैं समझा दूंगा पूरा अभी मैं आपको जब यह बता जब मैंने इसमें क्या किया है जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स है उत्ता पार्ट हाईलाइट कर दिया है जिससे आप ये समझ जाओ कि क्वेश्चन किस टॉपिक पर है उसमें आंसर नहीं टॉपिक समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड है ताकि रिवीजन के दौरान आप वो कर सको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है कुछ बोल्ड किया हुआ नहीं आएगा तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं लालजी भाई परचेज शेयर स्टेटमेंट अपन आएंगे तो क्वार्टरली तो, के बारे में बात करें इसी ने बोला सर हर क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट होना ये समझने समझाने के लिए पहले क्वार्टर का मतलब समझा दो क्वार्टर मतलब तीन महीने कई के लिए क्वार्टर quarter...

चांस ऑफ लूजिंग हिस्स मनी बोल रहा है पक्का है मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा डू ऑडिटेड रिजल्ट पूरी ऑडिटर के ऊपर जवाबदारी डालने की रखता है एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनी प्रोवाइड सच अश्योरेंस टू इन्वेस्टर लाइक लालजी भाई इज थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट नो लालजी भाई ज नॉट गिट एश्योरेंस इट ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस अब अगर दो मार्ग का है तो जितना दिया वो लिखेंगे यही चार मार्ग का आएगा तो फिर हम लिखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो सकता यहां पूछा नहीं है क्या इसकी करेक्ट है नहीं अगर ऐसा लिख देते वाई तो फिर हमें क्या करना पड़ता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी लिखना पड़ता है आईएल का फुल फॉर्म मत पूछना डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ मनी शेयर प्राइजेस आर अफेक्टेड बाई लॉट ऑफ फैक्टर ऑडिट ओनली गिवस रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड्स और यहाँ पे भी लिखना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल सर आप तो आई के आंसर में भी गलतियाँ निकाल सकते हो हाँ बहुत निकाली मैंने फाइनल के पेपरों में इतनी ढेरों गलतियाँ निकाली हैं अभी इस बार के सी फाइनल के एफ के पेपर में कई सारी गलतियाँ और अपने बच्चे सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट को मेल कर रहे हैं तो होता है ऐसा थोड़ा ना पर ये इतनी मेजर गलती नहीं है कि कोई फर्क है क्या इसलिए ये अपन नहीं बताएंगे पर अपने को पूरा आना चाहिए ना आगे लालजी लालजी भाई is not correct. लाल भाई जो बोल रहे हैं सही एकदम परफेक्ट है ये जो अपन ने पढ़ा इजी का ये जवाब है आ जाओ एक आध और ट्राई करवाता हूँ ये वाला देखो <laughs> जीवा प्रोडक्ट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म

ियन दैट फल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ दटिस्फाइड है इस ऑडिट एविडेंस से जो हमें मिले हैं इस ऑडिट एक्सरसाइज से तो प्रोसीजर से एविडेंस मिलते हैं सब समझ में आ रहा है ना क्या लगा है हमने सैम्पल प्रोसीजर उससे क्या मिले हमें एविडेंस उससे हम क्या हो गए ओपिनियन बनाने में सक्षम हो गए कि दिया जा रहा है आगे लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग ड्रेसेस फ्रॉम वन लोकेशन वॉज बुकिंग फेक परचेज ऑफ स्मॉल वैल्यू बाय कल्यूडिंग विथ अनएथिकल डीलर्स छोटी छोटी परचेज ये फेक बुक कर रहा था माल आ नहीं रहा था पर ये बुक कर रहा था और इसने किसके साथ मिली भगत कर ली डीलर्स के साथ उनको बोला कि भैया तुम दिखाना कि मैंने माल सप्लाई किया है बिल भेजना माल आएगा नहीं बस बिल भेजना हम तुमको पेमेंट कर देंगे और उस पेमेंट में से आधा हमें पे देना कंपनी का नुकसान आधा तुम्हारी कमाई आधा हमारी कमाई तुमको जो बिल बनाना है पेमेंट टू दिस डीलर वॉल ऑल्सो मेड इन कनाईवेंस विद अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल और इसमें अकाउंटेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया क्यों क्योंकि पेमेंट अकाउंटेंट को करना था तो वो बोलता भैया माल का है तो उसको भी मिली भगत कर ली अब जो फर्म के पार्टनर है कौन सी फर्म ये जीवा प्रोडक्ट इसकी बात हो रही ये ऑडिटर को बोल रहे हैं कि ऑडिटर ये क्या फ्यूटाइल काम किया तुमने फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है यूजलेस यूजलेस बोल है ऑडिट को क्या पार्टनर करेक्ट है उनके व्यू पॉइंट में और आपके आप हिसाब से इमेजिन कर लो जो भी आपके आंसर है उसका जवाब तो हम क्योंकि इमेजिन करना है लेना है तो हम बोलेंगे भाई देख के तो लग रहा है परचेज ऑडिटर ने अच्छे से चेक करी इंटरनल कंट्रोल की खामियां होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की खामियां हैं कि अगर कल्यूजन हो गया तो फ्रॉड डिटेक्ट होने से रह जाता है और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है तो इसके लिए ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है एब्सोल्यूट नहीं देता है ये ऑडिट की इनहरेंट लिमिटेड इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट वेस्टफुल है फ्यूटाइल है तो क्या लिखा है देखिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल नॉट ऑपरेटेड प्रॉपरली ड्यू टू कल्यूजन बिटवीन एम्प्लॉज इट इज अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर रिलाईड ऑन इंटरनल कंट्रोल इट इज़ वेरी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अव प्रॉपर कंट्रोल ये इनहेरेंट लिमिटेशन घुमा घुमा के जो भी आंसर लिखा है वो बेसिकली आपका छुपा हुआ है कौन से वाले पॉइंट में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल भैया इसकी लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की क्या कल्यूजन होगा तो इसमें आपस में क्या होगा कंट्रोल लैब्स होंगे लैब्स होंगे तो अकाउंटिंग गलत होगी इसके लिए ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के इस एग्जाम्पल का है कि मैनेजमेंट का पार्टनर का जो कहना है वो गलत है ऑडिटर वेस्टफुल नहीं था ऑडिटर ने अपना काम ठीक किया जितना लिखा तो इसी के साथ दोस्तों तुम्हारा किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है एक बहुत बड़ा टॉपिक अपन ने पढ़ा है दोस्तों ये है रीजनेबल एश्योरेंस और उसी के साथ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफिट बहुत बार आएगा इनहेरेंट लिमिटेशन का ही अब अपन आगे बढ़ते हैं और स्कोप ऑफ ऑडिट करते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं या नहीं होती है? स्कोप सबसे पहले पर्पस क्या ऑडिट ऑडिट का पर्पस गारंटी देना है क्या का पर्पस है सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना यूजर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेट बस और कोई उद्देश्य नहीं क्या चेक करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑल मटेरियल मटीरियल एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड आर फ्री फ्रॉमरियल में स्टेटमेंट्स अब तो लिख दो यार इतनी बार बोल दिया आई नेचुरली आना चाहिए ये पर्पज है तो सर ये जो यूजर्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये कौन है ये शेयर होल्डर हो सकते हैं देखना ध्यान रखना मैनेजमेंट यूजर नहीं है मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल यूजर कौन है जो इनको यूज करते हैं शेयर होल्डर देखेंगे एम्प्लॉज देख सकते हैं कि भैया इस कंपनी में आगे रहना है नहीं रहना है कस्टमर देख सकते हैं कि भैया देख के कंपनी से समझ में आएगा कि कंपनी कितनी साउंड है क्रेडिटर देख सकते हैं उधार देना है यानी सरकार देख सकती है रेगुलेटरी बॉडी देख सकती है बैंकर देख सकते एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया फ्रेमवर्क जो प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओहो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एफ एस एस साइलेंट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फ्रेमवर्क है वो किस पे डिपेंड करता है एक तो एंटिटी के नेचर पे यानी एंटिटी का नेचर क्या है अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फ्रेमवर्क अलग होएगा मैन्युफैक्चरिंग है तो अलग होएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो दोनों केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग दिखेंगे और लॉ और रेगुलेशन कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है आरबीआई के क्या रिक्वायरमेंट है इनके अंदर तो जैसे कंपनीज का फ्रेमवर्क भारत में देखा जाए तो शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन सब कुछ टर्म्स समझाइए जो पहले ही पढ़ लिया ये स्कोप का डिस्कशन नहीं है ये तो इंट्रोडक्शन है स्कोप यहां पे आ रहा है सबसे पहले ऑडिट के स्कोप में क्या आएगा हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हो रहे हैं उससे रिलेवेंट बहुत ही बढ़िया ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बींग ऑडिट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं चलिए तो इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन है वही पूछ ले ये देखो सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड ऑफ मुंसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर वन और यहाँ पे ऐसा होता है कचरे से खाद बनती है और बहुत सारे लोग आके देख के जा रहे हैं यहाँ पे इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट बाई जो एंड जोआ फॉर्म ऑफ ऑडिटर सी एफ ऑडिटर बोला तू इट इज ऑब्जर्व हैज़ received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty on the company. Hefty का मतलब heavy. Heavy लिख देते तो समझ आ जाता समझ आ जाता तो तुम आंसर सही दे देते आंसर सही देते तो पास हो जाते पास हो जाते तो ICAI का अपना उद्देश्य ही पूरा नहीं होता क्या उद्देश्य है ICAI का तुमको सीए ए बनाना या बनने से रोकना <laughs> Let's not talk about it. <laughs> फ्टी मतलब हैवी <coughs> तो क्या हुआ है भैया मेरी कंपनी के ऊपर जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ नोटिस आया है सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से कि हमने कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और उन्होंने हमारे ऊपर भयंकर पेनल्टी लगा हमारे यानी हमारे क्लाइंट के जोहा एंड के ऊपर नहीं है गुड डीड्स के ऊपर जो ये कचरे से खाद बना रहा है उसमें बाप रे बहुत बुरा हुआ कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस जवाब नहीं दिया अभी कंपनी ने नोटिस का ऑडिटर पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का कहना है कि भैया अगर तुम्हारे ऊपर नोटिस आया है पेनल्टी पे करने का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में कहीं पे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारे पर ऐसा नोटिस आया है यानी कि नोट्स में मे बी एटलीस्ट एज अ डिस्क्लोजर या कंटिजेंट लाइबिलिटी शो तो करो या प्रोविजन बनाओ अगर लग रहा है तुम लाइबल हो गए नहीं लग रहा है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी बताओ पर कुछ तो करो तो कंपनी इसमें ये नहीं बोल रही है कि भैया हमने गलती नहीं करी है कंपनी बोल रही है ए hey, ऑडिटर अपने दायरे में रहे डोंट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर वर्क ऑडिटर अपने दायरे में रहे बाहर मत जा एनवायरमेंटल लॉज है कौन से लॉज है एनवायरमेंटल लॉज है तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है अपने स्कोप से बाहर मत जा क्या ये मैटर ऑडिट के स्कोप में आता है तो जैसे ही तुमने ये पढ़ा तो तुमको समझ में आ गया ये क्वेश्चन किसका है स्कोप ऑफ ऑडिट तो का स्कोप ऑफ ऑडिट का गजब का पॉइंट है पहला ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी विच आर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बींग ऑडिट तो सीधी सी बात है दोस्तों Any law, if not complied, and leads to material fines on the company on entity is. Said to affect the financial statements if company is already served with notice of such contraventions. So, <laughs> आप बोलोगे सर आपने बोला था एनवायरमेंटल लॉ हमारे स्कोप के बारे में उस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल पर अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ का उल्लंघन कर दिया और आप पे नोटिस आ चुका है तो अभी ऑडिटर के स्कोप के बाहर नहीं है क्योंकि पेनल्टी अभी इम्पोज हो चुकी है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो प्रोविजन बनाओ या डिस्क्लोज करो कि क्यों नहीं बनना चाहिए इग्नोर कर दो ये बोल के कि यार हमें क्या लेना देना एन्वायरमेंटल लॉज से तो ये एनवायरमेंटल लॉज जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी पर इसका उल्लंघन होने से जब पेनल्टी का नोटिस आप पे आ गया तो दिक्कत आ गई सिंपल भाषा में मुझे चेक नहीं करना था अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कंपनी के ऊपर एन्वायरमेंटल लॉस का उल्लंघन करने के कारण पेनल्टी लग गई तो मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रहा है कि ऑडिटर तुमने क्या चेक किया हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई तो हम बोलते ही हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है कि हम सारे कानून चेक पर अगर कंपनी पर पेनल्टी इंपोज किसी भी लॉ में हो चुकी है और कंपनी उसे बुक्स में दिखा नहीं रही है तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है उसका ऑडिटर के स्कोप में वास्ता है इसलिए कहा गया है कि आप यहाँ पे लिखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू जरूर देखें उससे समझना है सबको क्लियर है तो हमें कहना पड़ेगा कि ऑडिटर इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट उसे ये चेक भी करना है अगर ये है तो उसे देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुआ है नहीं हुआ है तो उसे रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि भैया कंपनी एक पेनल्टी छुपा रही है क्लियर है दोस्तों कोई डाउट है तो पूछो <coughs> यह बताया मैंने कोई डाउट नहीं होना चाहिए नहीं सर खुद ही बता रहे हो खुद ही बोल रहे हो <laughs> तुम नहीं बोलो तो मैं ही बोलू चलो अगला बाय स्टडी अकाउंटिंग असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल एंड बाय कैरिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट इंक्वायरी प्रोसीजर्स वेरीफाइज इन्फॉर्मेशन अंडर अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अदर सोर्स डेटा रिलायबल सफिशियंट है या नहीं तो हमारा स्कोप हर वो एस्पेक्ट को कवर करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है हमारा स्कोप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशियंट है या नहीं चेक करना है हमारा स्कोप है कि सारे डिस्कलोजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते आना चाहिए ट्रांजेक्शन तो और इवेंट जो भी रिकॉर्ड हुए हमें चेक करना है मैनेजमेंट के जो भी जजमेंट है हमें चेक करना है पॉलिसीज़ का जो भी सिलेक्शन है हमें चेक करना है ये सब प्रॉपरली डिस्कलोज है यार और इसके आधार पे ओपिनियन देना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे देखते हुए कि क्या पॉलिसी सही फॉलो हुई है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं किसके आधार पे प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करें और वॉट इज़ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो घटना जो ऑलरेडी घटित हो चुकी इट इज इन शियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी विच इज डिराइव फ्रॉम एंटिटी अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स इकोनॉमिकिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड और इकोनॉमिक कंडीशंस और सरकमस्टांसिस ऑफ पास्ट टाइम पीरियड दोस्तों एक चीज समझना दो तरह की क्या होती है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये रिलेट करती है इवेंट्स और कंडीशंस ट्रांजैक्शन्स ऑफ द पास्ट ठीक है ऑर्डिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें बताई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली प्रेजेंट वो घटनाएं जो हो चुकी है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश and that is checked by the auditor <coughs> ठीक है अब इसमें एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये क्या होती है प्रोजेक्टेड और फोरकास्टेड उदाहरण के तौर पर एग्जैंपल हमनी प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अक्ट्री To manufacture goods and is preparing projected financial statements using assumptions. Of the estimated sales, expense, etc., in future, these prospective financial information are not audited as. आर टू ऑकर इन फ्यूचर ये आगे जाके होगी ऑकर मतलब होने वाली है कैन बाय नो मींस बी कंफर्म्ड दैट

देखिए समझिए हो तो गया चलो यार तुम तो हम क्या करते ऐसा बोलते ऑडिटर इस तो पोस्टमार्टम जो हो चुका है उसको चेक करता है तो सीधी सी बात है जो हो चुकी उसी को चेक करेगा जो आगे होते वाला उसको कोई चेक कैसे करेगा उसको तो अनुमान लगाते होगा या नहीं होता समय बताए <coughs> इसलिए यह चीज कहां पे पढ़ने को मिलती है स्कोप में स्कोप में क्या शामिल है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल क्या शामिल नहीं होगा स्कोप में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या बोला है सारे एस्पेक्ट चेक किए जा सकते हैं क्या हम सिर्फ वो एस्पेक्ट चेक कर सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट है यानी हेडिंग के साथ ये भी पढ़ लेना रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेट हमारा स्कोप चेक करना है कि क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशियंट है सारी इंफॉर्मेशन है और जो दी है है वो सही रिलायबिलिटी का मतलब जो दिया है वो सही है है का मतलब जो दिया है वो पूरा है कंप्लीट है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है <coughs> अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो जजमेंट्स आपने जो यूज़ किए वो डिस्क्लोज करो जजमेंट का कोई एग्जाम्पल बताओ ना सर कि आपका जजमेंट है कि आपका सेट दस साल काम करेगा छः साल काम करेगा जजमेंट है आपका एस्टिमेट और क्या और हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देते हैं ना कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव समझ नहीं आता तो फ्यूचरिस्टिक भविष्यकालीन लिख लीजिए ये स्कोप है तो स्कोप में क्या नहीं आता पहला फ़िनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है भैया हमारी नहीं है बिल्कुल तय ये मत सोचना कि हमारे जो कॉम्पिटेंस के बाहर की चीजें हैं वो हम चेक करेंगे जैसे कि कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन की फिजिकल कंडीशन चेक करना हमारे बस में नहीं हूँ उसके लिए एक अलग एक्सपर्ट आदमी लगेगा सोफेस्टिकेटेड मशीन मतलब सोफेस्टिकेटेड मशीन का मतलब क्या हो गया एनी पर्टिकुलर मशीन विच इज स्पेशलाइज्ड बहुत ही स्पेशलाइज नेचर की मशीन है ये हमारे स्कोप से बाहर है कि भैया उसकी क्वालिटी चेक करे उसकी वेरिफिकेशन करे दूसरा बेहतर एग्जाम्पल है सिविल स्ट्रक्चर की लाइफ तो बिजनेस बोला ये हमारी बिल्डिंग की लाइफ पचास साल है तो मैं कोई सरिए की सीमेंट की पकड़ और ग्रिप से ये नहीं बता पाऊंगा पचास साल सही है नहीं है मेरे स्कोप के बाहर है क्यों दिस रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ डिफरेंट एरिया एरिया मतलब डोमेन बोलते हैं डोमेन मतलब कोई भी एक फील्ड कोई एक साइंस कोई एक नॉलेज ये मत समझना कि मैं एक्सपर्ट हूँ डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन का इसका मतलब मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे मेरा कोई काम नहीं है उसमें चेक करना कि सिग्नेचर ओरिजिनल है या नहीं है फेक तो नहीं है ये सब मेरे स्कोप के बाहर है और सबसे बड़ी बात मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ इम्पॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेटर और एक ऑडिटर में क्या फर्क है तो स्कोप में क्या आएगा उसके चार पॉइंट याद रखना है स्कोप में क्या नहीं आएगा उसके भी चार पॉइंट याद हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है ऑडिटर है इसका क्या नॉट एन ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर को अपन कोई एक एरिया देते हैं और वो उसमें फिर पूरी खुदाई कर देता है अंदर तक घुस जाता है इन्वेस्टिगेशन <coughs> नॉर्मली तभी होता है जब आपको मालूम है कि यहां कोई फ्रॉड हुआ है या आपको बहुत बड़ा डाउट है कि कोई फ्रॉड कुछ गलत हुआ जबकि ऑडिट ऐसा नहीं है कि जिन कंपनी में गड़बड़ हो रही है उन्हीं कंपनी में कराया जाता है आपको पता है ऑडिट कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन सेक्शन है 139, जिसे दाल रोटी बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट्स का सी ए भाईओ का दाल रोटी सेक्शन क्यों क्योंकि सेक्शन वन थर्टी नाइन में मालूम है क्या लिखा है एवरी कंपनी शेल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड यानी एक कंपनी है जिसने साल भर में एक रुपए की सेल्स करी है उसको भी ऑडिट कराना है और एक करोड़ की सेल करी है तो भी कराना है एक लाख करोड़ की करी है तो भी कराना है वन पर्सन कंपनी है तो भी कराना है सेक्शन एड कंपनी है तो भी कराना है स्मॉल कंपनी है तो भी कराना है प्राइवेट कंपनी है तो भी कराना है पब्लिक कंपनी है तो भी कराना है गवर्नमेंट कंपनी तो भी कराना है लिस्टेड कंपनी तो भी हाहा दाल रोटी से तो ऑडिट में ऐसा नहीं है कि जिन कंपनियों में फ्रॉड का अंदेशा वहां कराना है भैया वहां सिंपल सा रूल है मैनेजमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है चेक कराओ ताकि शेयर होल्डर को आश्वासन मिले कि हाँ रूटीन प्रोसेस एक्सक्यूज में रूटीन प्रोसेस रूटीन का मतलब क्या है रेगुलर बेसिस पे कराया जाना एक्सक्यूज कोई नहीं है। तो सबसे पहले का मतलब ऐसा अलेज बोलते ना ऐसा आरोप है अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है सस्पेक्ट है, इसका होता है इन्वेस्ट क्यों ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता क्यों क्योंकि पास इन्वेस्टिगेटिंग वाले पावर्स ही नहीं है जैसे कि ओथ पे एग्जामिन करना इन्वेस्टिगेटर के पास ये सारे पावर होते हैं ओथ पे एग्जामिन करना कोर्ट में ले जाके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना इन्वेस्टिगेशन है क्या क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल जनरल पर्पज के लिए नहीं है स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्पेशल परपज जबकि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है रीज़नेबल एश्योरेंस की एंजल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर है यानी जेनेरिक पर तो इसलिए बोला गया ऑडिटर का स्कोप जनरल है वेरियस इन्वेस्टिगेटर का क्वेश्चन बताता हूँ अ ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा प्लांट ऑफ के टी बड़ी आग लग गई भाई नोएडा प्लांट में लैंड की असेट्स में बिल्डिंग थी मशीन थी इन्वेंट्री थी जो सब इंश्योर्ड थी एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी तो एक चीज समझो समझो यूनाइटेड इंश्योरेंस सुना होगा आपने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी उसकी किसी ब्रांच से अपन ने इंश्योरेंस ले रखा था थैंकफुली तो ये जो के टी लिमिटेड है इसने इंश्योरेंस ले रखा इससे एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी समझो यूनाइटेड इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को भेजेगी जो अनुमान लगाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से क्लेम अप्रूव करेगा अपार्ट फ्रॉम यानी उसके अलावा जिसको डिप्यूट किया था लॉस असेस करने के लिए रीजनल ऑफिस ने तो ब्रांच के ऊपर रीजनल ऑफिस से बड़ा अमाउंट होता है लॉस का तो रीजनल ऑफिस जो होता है वो भी देखता है ऑफ इंश्योरेंस पी ऑल्सो अपॉइंटेड अ चार्ट अकाउंटेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एंड सरकम स्टांसिंग सीए को किसने अपॉइंट किया है दिस इज अपॉइंटेड बाई द इंश्योरेंस कंपनी रीजनल ऑफिस क्या देखने के लिए टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सरकम स्टांसेस जिसके कारण उंडिंग लॉस जो लॉस हुआ उसके आसपास के सरकमस्टेंस क्या हुआ देखो <coughs> 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 नोएडा प्लांट के यहाँ पे आग लगी तो उसने क्या बोला मेरा स्टॉक जल गया मशीन जल गया इंश्योरेंस कंपनी हमने इंश्योरेंस करा रखा है आपको हमें हमारी मशीन की और हमारे स्टॉक की पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी की। जिस दिन आग लगी उस दिन दो करोड़ का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भाई तू क्यों रो रहा है हमें रोना चाहिए क्यों क्योंकि हमने इंश्योरेंस दिया है और ये दो करोड़ का तूने स्टॉक रखा है दो करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है हमें रिमबर्स करना पड़ेगा और हमें रोना आ रहा है आप क्या करें हमारा धंधा ही है हमको तो देना ही है रोने की क्या बात है दिया इंश्योरेंस तो चुकाएंगे पर हम एक बड़ा अमाउंट है तो हम एक सीए को भेज रहे हैं और तुम उसको अपनी बुक्स दिखा वो बुक्स से चेक करेगा कि दो करोड़ का स्टॉक था भी या नहीं क्योंकि जल गया तो फिजिकली तो है नहीं बुक्स में होना चाहिए और उसको हमने बोला है भैया तुम सारी सिचुएशन आसपास की भी देखो समझो जरा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है वक्त ऐसा नहीं हो कि मालूम बड़ा स्टॉक कुछ भी नहीं हो दिखा दिया ऐसा जल गया पूरी तरह से और पैसे ले ले तो बुक से वेरीफाई हो जाएगा तो ऑडिटर क्या करेगा जाके ऑडिट करेगा क्या इन्वेस्टिगेट कहीं ऐसा तो नहीं है स्टॉक एकदम लास्ट लास्ट में बढ़ा दिया हो मालूम बड़ा कंपनी का तीन दिन पहले तक तो स्टॉक दो पाँच लाख रुपये ही रहता था और आग लगने से पहले एकदम से स्टॉक आया और आग लग गई <laughs> चलो जरा देखते हैं कौन सी ट्रक लेके आई है बताओ तो कौन सी ट्रक लाई चलो ये ट्रक का कौन कंपनी है लाओ इस ट्रक की कंपनी को बताओ क्या माल लेके आया हमको बिल्टी भेजे ये जब आप कर रहे हो तो आप बताओ कि आप ऑडिट कर रहे हो नहीं आपको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भेजा है इन्वेस्टिगेट कर ये तो पूछ रहे हैं कि आपको बुलाए कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए क्या ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी नहीं भैया ये तो इन्वेस्टिगेशन है काय का

क्या है एक एंगेजमेंट एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट तो एंगेजमेंट का मतलब कुछ नहीं है असाइनमेंट एक काम दिया है ऐसा इज एन असाइनमेंट अरेंजमेंट टू डू समथिंग एक फॉर्मल अग्रीमेंट है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जिसमें हम ऑडिटिंग सेवाएं देंगे और इसके लिए एक एंगेजमेंट लेटर होता है एंगेजमेंट लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें लिखा हुआ रहता है भाई यही हमारा काम है यही आपका काम अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में आखिरी चैप्टर में आएगा एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है यहां हमारी जो रिपोर्ट होती है ये हम मैनेजमेंट को नहीं देते हम हमारी रिपोर्ट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देते जैसे कि शेयर होल्डर या बैंक तो जब मैनेजमेंट बोलता है रही ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट देना तो वो इंटरनल ऑडिट इंगेजमेंट कहलाता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जिन्होंने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही चेक कर रहे है अपन वो ऑडिट नहीं पढ़ रहे अपन पढ़ी एक्सटर्नल ऑडिट रहे एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये होता है कि बनाया किसी ने है पर मैं उसके लिए चेक नहीं कर रहा हूँ मैं चेक किसी और के लिए कर रहा हूँ इंटरनल मतलब जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कंपनी के अंदर का आदमी मैनेजमेंट डायरेक्टर एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग शेयर होल्डर कंपनी के बाहर के गए हैं क्यों क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए नहीं है गवर्नमेंट बाहर की है कि हाँ क्योंकि उसने बनाए नहीं तो ये external है ये एक्सटर्नल है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बचपन में पढ़े होंगे तो उसमें शेयर होल्डर गवर्नमेंट रिसर्चर्स थर्ड पार्टीज कस्टमर्स एम्प्लॉइज ये सब मैनेजमेंट नहीं होता तो हम ये पूरा ऑडिट जो पढ़ रहे हैं ये एक्सटर्नल ऑडिट है तो इट इज़ टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट कौन से यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है इंडिया में कंपनी इसको अपने एनुअल अकाउंट्स को एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा ऑडिट कराना होता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अपने ऑडिट का एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करा सकती है नॉन कॉर्पोरेट यानी जो कंपनी नहीं है तो कंपनी इसको कंपलसरी है नॉन कॉर्पोरेट अपनी इच्छा से करा सकती है इससे एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है और ये रिपोर्ट भी कंपनी को नहीं देगा थर्ड पार्टी उसे एक्सटर्नल लॉ फ़ायदे क्या है भैया ऑडिट के <coughs> यूज़र का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बचेगा एम्प्लॉइज़ पे चेक रहेगा जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कि भैया वो गलत ना बनाए फ्रॉड ना करें देन टैक्स लाइबिलिटी में मदद आएगी लेंडर्स को मदद मिलेगी मैनेजमेंट को भी फायदा होगा क्योंकि फ्रॉड पता पड़ सकता है प्लस कंट्रोल्स बेहतर हो सकते हैं कंपनी के क्योंकि ऑडिटर चेक करेगा खामियाँ होगी तो रिपोर्ट करेगा तो डेफिशेंसीज जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है इंटरनल कंट्रोल की खामियां वीकनेसेस ऑडिटर वो भी रिपोर्ट करता है तो किसके फायदे आप ऐसे देखो यूज़र्स के मैनेजमेंट <coughs> का फायदा है उसे फ्रॉड्स इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पता पड़ेगी एम्प्लॉज पे चेक होगा क्योंकि एम्प्लॉय को मालूम है भैया मेरा काम कोई आके बाद में चेक करता है तो मैं गलत नहीं कर सकता शेयर होल्डर को फायदा है टैक्स अथॉरिटी को फायदा है कि टैक्स सही निकलेगा सारे एक्सटर्नल यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन सब सिंपल है आसान तरीका बता रहा हूँ इससे याद भी रहेगा एग्जाम में है तीन चार पॉइंट लिखना पड़ेंगे चार मार्क का था चार पॉइंट सारे लिख दो और बढ़िया ऐसा नहीं चार लिख के रुक जाओ लिख के आना सारे ऑडिट <coughs> मैंडेटरी क्या कंपनीज एक्ट में है पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है इनकम टैक्स में एक टर्न की लिमिट क्रॉस करो तो है तो कुछ एक्ट में होता है कुछ में नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया ना दाल रोटी सेक्शन है हमारा एक कंपनी में बोला है कराना जरूरी है इनकम टैक्स में बुलाए टर्न ओवर एक लिमिट क्रॉस करेगा तो कराना है स्कूल कॉलेज के केस में अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट लेना है तो ऑडिट कराना जरूरी है सरकार बोलती है ऑडिटेड स्टेटमेंट होंगे तो ही हम ग्रांट देंगे कई जगह जरूरी नहीं भी है पर फिर भी एंटिटी करा लेती है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनको लगता है भाई ऑडिट के फायदे तो है क्या फायदे हैं यार इतने सारे अभी पढ़ाए फायदे अब वापस पूछ रहे हो क्या फायदे हाँ, हाँ, हाँ फायदे तो इसलिए कई लोग क्या करते अपनी इच्छा से भी कर लेते अपॉइंट कौन करेगा तो ये अलग अलग है कंपनी है तो कंपनी के में शेयर होल्डर करते ओनर्स पर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में क्या है सी एन डे जी अपॉइंट करता है तो सी एन डी जी खुद नहीं करता है क्या सी एन डे जी सी ए को अपॉइंट करता है क्योंकि कंपनीज एक्ट में सी ए ही ऑडिट करता है पर अपॉइंट सी ए डे जी करता है फॉर्म तो में पार्टनर कर देंगे सरकारी दिमाग है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कर देगी या कानून में लिखा होगा कौन करेगा ये रिपोर्ट किसको देंगे तो नॉर्मली जो व्यक्ति अपॉइंट करता है उसी को रिपोर्ट ये यहाँ तक अपना क्या डिस्कशन पूरा हो गया ऑडिट का इसको हम मस्त रिवाइज कर सकते हो प्योर थ्योरी चिंता मत करना कि रटना एक एक शब्द अपने मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ अभी सारे नहीं बताएं थोड़े बताएं और बताऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे आंसर कैसे लिया ठीक है अभी जो अपन ने पढ़ा है इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है तो इसमें बेनिफिट्स भी इम्पोर्टेंट मार्क का एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आप इंगेजमेंट वगैरह ठीक है कोई खास इनहेरेंट लिमिटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फ़र्क है ये भी स्कोप भी लिख लो ये भी आ सकता है क्या आएगा क्या नहीं सभी करा दिया तो भैया जो निये नहीं, नहीं करा हूं, हाँ यार बात कर ऑब्जेक्टिव वगैरह इतने इंपॉर्टेंट ये आते नहीं है समझने फॉर द डे थैंक यू वेरी मच दोस्तों कोई डाउट्स है आपके तो बताइए एल्स वी आर डन फॉर